हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। और ये देखिए, हम लोग राजगीर से वापस तो आ गए हैं, पर कपड़े इतने सारे गंदे हो गए हैं, तो आधी तो मैंने धुल कर ये देखिए पसा रखी टंग। ये देखिए, मैं दो तीन टंगने बना कर रखे हुए हैं। ये देखिए, अब इसी पर रख दें क्योंकि दिन बहुत ख़राब हो गया है। आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यूज़ आपको दिखाऊंगी और सब कुछ दिखाऊंगी आपको। बिछाने के लिए नीचे गाड़ी पर ये सारी ले गए थे, सभी गंदे हो गए हैं, लेकिन धो नहीं रही हूँ क्योंकि धूप नहीं उग रहे हैं। कुहासा कुहासा, दिन भर कुहासा। जब से राजगीर से वापस हम लोग आए हैं तब से पूरा कुहा ही कुहासा ही हो रखा है, तो इसलिए अभी ऐसे मोटे मोटे तो सूखेंगे नहीं, तो इसको सब किनारे करके रख दी हूँ और इसको खींचना है। और बाकी को मैंने धुल दिया है, हल्के हल्के कपड़े सब मेरा धोया हुआ है। ए मारेंगे, आवाज़ बंद करो। ए लड़का, आवाज़ बंद करो ना। और आने के बाद ना इतना ठंड लग रहा था, तो ये देखिए आग तापी हूँ सभी मिलकर। और आपको बाहर का व्यूज़ आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ना कितना अभी मुझे धोना है कपड़ा, लेकिन धूप का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मेरा धूप नहीं उगेगा जब तक कि मैं खींचूँगी नहीं मोटे मोटे कपड़े। तो हल्के हल्के कपड़े तो मैं इसी तरह सुखा रही हूँ, सूखेगा भी नहीं, दिन भर नहीं सूखता है, इस जैस के तैस पड़ा हुआ है। इसीलिए अभी बहुत ठंड है, बहुत ठंड। अभी बज रहा है, सभी बच्चे स्कूल, अभी एक बच्चा गया है, एक बच्चा घर ही पर बदमाशी कर रहा है। और मैंने स्नान पूजा कर ली हूँ और इसके बाद मैं लकड़ियों को जलाने वाली हूँ बाहर बरामदे में। मैं लकड़ी को जलाने वाली हूँ क्योंकि इतना 5-6 दिन से धूप नहीं उग रहे हैं, तो माथा धोकर नहाई हूँ तो थोड़ा ठंड लग रही है, तो सोच रही हूँ कि मैं जला लेती हूँ लकड़ियों को, तो थोड़ा आग भी मैं ताप लूँगी। आज मैं आग जलाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में बुज़ुर्ग तो होंगे ही, बिना इस सर्दी में बिना आग तापे तो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों को थोड़ा ज़्यादा ठंड लगती है। बुज़ुर्ग क्या, हम सभी को ज़्यादा ठंड लगती है, और इतनी ठंड में तो आग जलाना पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि बिना तेल के हम लकड़ी को कैसे जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोलोथीन ली हुई हूँ और पोलोथीन को ही जलाई हूँ। आप लोगों के पास तो हमेशा सभी के घर में होता है पोलोथीन, तो उस पोलोथीन को अच्छे से जला लें, और जला कर अच्छे से इसमें लकड़ी रखना होता है जल जाने के बाद। इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ, 1 इंच ऊँचा लकड़ियों को अगर सजा कर इस तरह से रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आग मतलब लकड़ी को जलाने में किरासन तेल का ज़रूरत होता था, लेकिन अब मतलब पोलोथीन का उपयोग भी हम कर सकते हैं, पोलोथीन से भी किसी भी चीज़ को हम उसे जला सकते हैं। क्योंकि ये पोलोथीन, और वैसे भी पोलोथीन करना क्या होता है, वैसे भी प्रदूषण फैलता है पोलोथीन से, अगर जहाँ तहाँ हम फेंक देते हैं तो उससे हमारे, क्योंकि पोलोथीन गलता नहीं है, और फेंकने से हमारा ज़मीन भी ख़राब हो जाता है, उपज भी नहीं होती है। तो इससे अच्छा है कि, तो पोलोथीन को फेंकने से अच्छा है कि हम इस तरह से लकड़ी को जलाने का काम ला सकते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि ये उपयोग कर सकते हैं हम। तो चलिए, मैं आग को ताप लेती हूँ अच्छे से, और बाल मेरे सूख जाएंगे थोड़ा बहुत तो ठीक रहेगा, क्योंकि धूप तो उग नहीं रहे हैं बालों में, तो बाल मेरे दिन भर भींगा ही रहेगा।
और यहाँ पर मैं कमल बिछा रखी हूँ। बहुत पुराना कमल है, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, बस गाड़ी में इस तरह से बिछा कर बैठा जाता, बैठते हैं। और इस कमल को ले गई थी बैठने के लिए, घूमने गई थी तो इस सब को खींचना है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रख दी हूँ, उस पर बैठूँगी अभी। और अभी गई हूँ खाना लाने, तो अभी नाश्ता मेरा नहीं हुआ था, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करूँगी। और नाश्ते में मैंने आज बनाया है लिट्टी, आलू भरवा लिट्टी बनाया था, तो आज नाश्ते में बच्चों को यही दिया है, तो वही मैं खा लेती हूँ और इसके बाद दोपहर के खाने में लगूँगी। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 तो फ्रेंड्स इसके बाद आ गई हूँ, जो दोपहर का मुझे खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर साग लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो ये है खेसारी का साग। तो आज मैं खेसारी का साग और चावल बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो इस मौसम में सभी खाते हैं, तो यहाँ पर साग को मैं पहले चुन लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें घास वगैरह भी होते हैं थोड़ा बहुत, तो उसे हटा लूँगी। और खेसारी के साग में डंठल भी थे, तो उस डंठल को, बड़े बड़े डंठल को हटा दे रही हूँ, और बाकी को मैं अच्छे से फिर इसे अच्छे से काट लूँगी। इस साग को काटने का तरीका बिल्कुल ही अलग रहता है, तो ये देखिए बहुत ही महीन महीन इसे काटा जाता है, ताकि ये अच्छे से साग गल जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाने में मैं साग और चावल सिर्फ बनाऊंगी। साग चावल हरी मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, लगने वाली है मेरा खाना आज का। तो ये खेसारी का साग है जो आप लोगों को दिखाया, तो गांव तरफ इस टाइम गांव तरफ तो खेसारी का साग और चावल बहुत ही लोग खाते हैं, बहुत ही स्वाद लगता है। हर ठंडे के मौसम में हर टाइम हम लोग गांव में ना साग चावल चलता ही चलता है। हम लोग गांव में जब जाते हैं ना ससुराल मेरे गांव में, तो साग चावल ज़रूर खाते हैं। तो चलिए आज साग चावल खाते हैं। तो ये देखिए इतना महीन महीन मैंने काट रखा है। आपको पता है फ्रेंड्स, गांव के लोग ना इससे भी ज़्यादा महीन महीन काटते हैं। मैं तो इतना थोड़ा मोटा रख दी हूँ, लेकिन इससे भी महीन महीन काटा जाता है ये साग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ, और ये देखिए मैंने गैस भी ऑन कर दिया है। अब मैं एक गिलास इसमें पानी डाल दूंगी, आप साग के अनुसार ही पानी डालना है। जैसे कि मेरे पास आधा केजी साग थे, तो उसमें मैं एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और जब मेरा पानी गर्म हो गया था, तो मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ, ताकि ये गले, नमक से गल जाता है भी, और स्वाद अनुसार ही नमक डालना होता है इसमें। और इसके बाद मैं इसमें हरी साग को डाल दूंगी, और इसे ना ढक्कन लगाकर 5-6 सीटी लगाना है धीमी आंच पर, तभी गलेगा। ये देखिए ढक्कन लगा दिया, इसे छोड़ देते हैं। साग में 6 सीटी लगाने के बाद मैंने साग को सिलवट्टे पर पीस ली हूँ, और पीसते टाइम मैंने इसमें लहसुन का टुकड़ा भी डाला है, हरी मिर्च डाला है, और धनिया का पत्ता डालने तो और स्वाद इसका बढ़ जाता है। तो चलिए आज का खाना हमारा यही है बाबा।